स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों मेरे चैनल पर। और गाइस, मैं गंडोला राइड कंप्लीट करके गुलमार्ग में एक बार फिर पहुंच गया हूं। और जो हमने स्नो स्लेजिंग बुक करवाई हुई थी, यहां पे स्नो स्लेज था, वो जब आपको हाइट में छोड़ने जाते हैं तो वापस आपको लेने भी आते हैं। तो देख सकते हो गुलमार्ग के यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा है। सो हमारा जो मेन टारगेट है अब गुलमार्ग में, जो लास्ट हमारी डेस्टिनेशन बची हुई है, वो है आपका यहाँ पर ईरानी टेम्पल है, भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर। तो मैंने सोचा यहाँ पे जाना तो बहुत मस्त है मेरे लिए, और मैं चाहूँगा भी, क्योंकि हिंदू धर्म का मंदिर मुझे यहाँ पे मिला है, बहुत कम मंदिर मिले मेरे को, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो जाना बनता है। तो गाइस, गुलमार्ग में एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा जो स्पेशल लगी वो ये थी कि यहाँ पे सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च सभी बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब ये एम्बियंस की, मतलब सारे रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई है इस जगह पर। मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने सोचा भोलेनाथ जी के दर्शन कर लें यहाँ पे। बहुत अच्छा फील आया मुझे यहाँ पे, जैसे मैं जा रहा था यहाँ पे कि यार नहीं, कश्मीर में भोलेनाथ जी का मंदिर, और सीरियसली वो भी गुलमार्ग में। और ये रहा गुलमार्ग के कुछ साइड में जो, मतलब यहाँ पे बने हुए हैं जो भी शॉप्स हैं, सोविनार शॉप हैं, या फिर कुछ अपने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, कैफेज़ हैं, तो इस तरह का कुछ है यहाँ पे। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी दोस्तों, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस, ये रहा भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो बोलते हैं कि स्नो में ये पूरी मंदिर जो है विंटर्स में काफ़ी पूरा ढका होता है। वी आर लक्की कि अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल गया ये अच्छे से। तो सीरियसली बहुत अच्छा फील आया यार यहाँ पे। तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ, दर्शन करें भोलेनाथ जी के। जैसे ही आप मतलब गुलमार्ग में एंट्री करते हो तो आपको ये सामने फ्रंट में ही मतलब भोलेनाथ जी का मंदिर दिखता है, तो आप यहाँ पे आके दर्शन लें। हमने दर्शन लिए, आप देख सकते हो आर्किटेक्चर किस तरह का है, कौन शेप में है प्रॉपर, और ये वुडन का बना हुआ है, और भोलेनाथ जी की शिवलिंग भी है यहाँ पे। सो बाहर से नज़ारे दिखाते हैं अब आपको। परिक्रमा के बाद मैंने यहाँ से अब ये दोस्तों इस तरह का है कुछ गुलमार्ग, पूरा वादियाँ वादियाँ चारों तरफ, और क्या बोलूँ। और आर्किटेक्चर आप डिज़ाइन तो देख ही रहे हो मंदिर का कैसा है। सो गाइस, इसी के साथ मेरी जर्नी समाप्त होती है यहाँ पे, और अभी मैं जाऊँगा आगे चंडीगढ़ वापस, और वहाँ से नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं हिमाचल में विजिट करूँगा। मेरा एक प्रीवियस वीडियो था वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, मेरा इंस्टेंटली मेरा कश्मीर का प्लान बन गया था, तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में डालूँगा। लेकिन जैसे ये वीडियो मेरा कंप्लीट होगा, आपने सारे एपिसोड देखेंगे, मैक्सिमम इसके 12 टू 13 एपिसोड बन गए हैं, तो आप देख सकते हो। सो गाइस, फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, और मैं जा रहा हूं अपने घर के लिए, घर तो नहीं फिलहाल, ऑफिस के काम के लिए तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो चंडीगढ़ ही निकल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं फिर कि क्या बनता है आगे, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनता है। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के साथ। सो गाइज़, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जगह आपको कैसी लगी, कश्मीर कैसा लगा। मैं तो बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेके जा रहा हूँ। आई होप आप लोग भी यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।